देशों में सामान पहुंचाने और मंगाने में इस्तेमाल होता है। ये राज्य आज के समय भारत का सबसे शिक्षित राज्य होने का तमगा भी हासिल किए हुए है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा को भारत लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जयवाली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है सुमान कुरैशी। केरला भाई, केरला बहुत फेमस है। केरला बहुत ब्यूटीफुल सिटीज है। केरला में डिस्ट्रिक्ट है आई थिंक केरला, केरला की बहुत ब्यूटीफुल सिटीज है। इसमें अगर जो हम देखते हैं तो लिखा हुआ है जी टॉप 5 मोस्ट डेवलप्ड, नहीं जी लिखा हुआ है एक जब बेइज्जती है। ऑन कर तो स्क्रीन ऑफ हो गई थी, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हाँ, टॉप 5 सिटीज इन केरला, मतलब केरला एक राज्य है शायद, ठीक है। 5 मोस्ट डेवलप्ड लिखा हुआ सिटी इन केरला। हाँ तो जी यही तो मैं बोल रहा हूँ कि केरला के अंदर जो सिटीज हैं वो बता रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जो टॉप 5 सिटीज है वो केरला की है, ठीक है। गोविंदा की गोली तो वो कहता है ना उसमें कि जो है वो उसकी बात है। तो यार आज की जो वीडियो है यार सीरियस होकर बात करते हैं। तो यार व्यूअर्स वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल पे, क्योंकि आज हम देखते हैं केरला। केरला बहुत ब्यूटीफुल एक राज्य है, ठीक है, इंडिया का, जो साउथ इंडियन में आता है, जहाँ की वीडियोज वगैरह देखी जाए तो बहुत खूबसूरत है। नेचुरल व्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो आप केरला जाएं। खूबसूरत नदी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप केरला जाएं, ठीक है। वहां पर अगर आप देसी खाना देखना चाहते हैं, जो पत्तों के ऊपर खाना खाया जाता है, तो भाई आप केरला जाएं। तो केरला बहुत ही ब्यूटीफुल राज्य है। आई होप आप लोगों को केरला बहुत पसंद आएगा। तो पहले इस वीडियो शुरू कर लेते, बाद में चला बातें वगैरह करेंगे। भाई केरला है कैसा? क्योंकि केरला में मुझे ऐसा लगता है वो बोली जाती है ना, क्या बोली जाती है? तेलुगु शायद, तेलुगु है। तमिलनाडु कैसे? तमिलनाडु अलग है। ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के सबसे शिक्षित राज्य केरल के 5 सबसे ज्यादा डेवलप्ड शहरों के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि केरल राज्य भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के दक्षिण में अरब सागर से लगता है। ये राज्य भारत के व्यावसायिक इतिहास में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। आज के समय भी इस राज्य में मौजूद सी पोर्ट्स का इस्तेमाल विदेशों में सामान पहुंचाने और मंगाने में इस्तेमाल होता है। ये राज्य आज के समय भारत का सबसे शिक्षित राज्य होने का तमगा भी हासिल किए हुए है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा को भारत लाते हैं। एजुकेशन और कारोबार के मामले में ये राज्य भारत के सभी राज्यों में अग्रणी स्थान रखता है। केरल के कुछ ऐसे शहर भी हैं जो आज के समय दुनिया भर में अपने डेवलपमेंट की वजह से नाम कमाए हुए हैं। इन्हीं शहरों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बने रहिए हमारे इस केरल के वर्चुअल सफर पर। 5वें नंबर पर हमने केरल के मशहूर कोल्लम शहर को रखा है। ये शहर केरल की राजधानी से 70 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो इस राज्य के सबसे ज्यादा विकसित शहरों में शामिल है। इस शहर को भारत की काजू इंडस्ट्री का केंद्र भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी से ही इस शहर में नारियल के कवर से धागे बनाए जाते थे, जो सैकड़ों सालों से इस शहर की पहचान है। एशिया का सबसे बड़ा फिशिंग हार्बर भी इसी शहर में मौजूद है। 4थे नंबर पर हमारी लिस्ट में केरल का त्रिशूर शहर आता है, जो धार्मिक लिहाज से केरल और भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। इस शहर में ढेर सारे महत्वपूर्ण मंदिर भी मौजूद हैं, जो देश भर में रिलीजियस टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। ये शहर केरल राज्य का 3रा सबसे बड़ा अर्बन एरिया है, और पूरे भारत के शहरों में इसे रैंक किया जाए तो ये भारत का 21वां सबसे बड़ा शहर है। त्रिशूर भी केरल के सबसे बड़े बिजनेस हब्स में से एक है। पूरे केरल राज्य में जितनी भी ज्वेलरी को बनाया और एक्सपोर्ट किया जाता है, उस सब का 70% हिस्सा केरल के त्रिशूर में ही बनाया जाता है। इस शहर में 3000 ऐसे बिजनेसेस मौजूद हैं, जिनमें ऐसे सोने की ज्वेलरी बनाने का काम किया जाता है, और इन्हीं बिजनेसेस के अंदर लगभग 40,000 से ज्यादा ट्रेंड ज्वेलरी मेकर्स काम करते हैं। 3रे नंबर पर हमारे लिस्ट में कोड़िकोड आता है, यानी वही शहर जिसे प्राचीन समय में कालीकट कहा जाता था। अच्छा। जो 500 साल पहले भी व्यापारिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। साल 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के इसी शहर को सबसे पहले देखा था। इसके अलावा इब्न बतूता और माहवान भी इसी शहर में घूमने आए थे। दोस्तों कालीकट केरल राज्य के सबसे ज्यादा डेवलप्ड शहरों में आता है। यहाँ पर कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ के बिजनेसमैन और यहाँ की डेवलपमेंट की वजह से यहाँ प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। दोस्तों यहाँ पर कई सारे आईटी पार्क्स और बिजनेस पार्क भी मौजूद हैं, जो कि इस शहर के समृद्ध होने की निशानी है। इसके अलावा इस शहर का आधुनिक स्ट्रक्चर और पुराने स्ट्रक्चर्स सब कुछ लाजवाब है। 2nd नंबर पर हमारी लिस्ट में बेहद ही लाजवाब राज्य की राजधानी और दूसरा सबसे अधिक डेवलपमेंट वाला शहर तिरुवनंतपुरम आता है। दोस्तों ये केरल राज्य और भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी दिशा वाला शहर है, जिसको इसके दूसरे नाम त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है।
ये शहर भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ के ही थुम्बा नामक जगह से हमारे प्यारे इसरो ने पहली बार स्पेस में रॉकेट को लॉन्च करके हमारे देश के लोगों का सर गर्व से ऊंचा किया था। दोस्तों, ये शहर अपने मशहूर पद्मन स्वामी मंदिर और बीचेस के लिए भी मशहूर है। इसके साथ ही शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आला दर्जे का माना जाता है। यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ पहली नज़र में भा जाता है। लोग इस शहर के दीवाने इसलिए भी हैं क्योंकि ये शहर पिछले दशक में 2-3 मर्तबा बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया की ट्रॉफी हासिल कर चुका है। पहले नंबर पर हमारी लिस्ट में कोची शहर को रखा है। 14वीं शताब्दी में बसा ये शहर आज एर्नाकुलम जिले का भाग है। इस शहर को क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है, जो केरल राज्य का सबसे बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन इलाका है। ये शहर केरल राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी है, जिसकी GDP $125 बिलियन से ज्यादा की है। इस शहर का कॉलोनियल आर्किटेक्चर भी इस शहर को एक अलग पहचान देता है। केरल में टूरिज्म के मामले में ये शहर मोस्ट फेमस टूरिस्टिक अट्रैक्शंस में से एक है। इस शहर की तेज रफ्तार को संभालने के लिए जगह और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम पड़ रहा है, इसलिए ग्रेटर कोचीन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस शहर के डेवलपमेंट को और तेज और रेगुलेट करने के लिए काम कर रही है। दोस्तों, इस शहर को केरल की इकोनॉमिक और कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ पर भारत का 4th सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक और सेबी का ऑफिस भी मौजूद है। इस शहर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया गया है, जहाँ पर इस राज्य के बड़े बड़े बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइए, ताकि आने वाले और भी अमेजिंग वीडियोस आप मिस ना कर पाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायरस। जी तो व्यूअर्स, बड़ा मजा है यार केरला को। केरला की इतनी सारी खूबियां हैं, इतनी सारी ब्यूटीफुल चीजें हैं, हमें तो अभी पता चले। मतलब केरला की इतनी ब्यूटीफुल सिटीज हैं। मतलब केरला में आप कोची सिटी को देखें यार, द क्वीन ऑफ ओशियन कहते हैं, अरब ओशियन की बात कर रहे हैं। हां, ऐसे ही कहते हैं ब्लू। मतलब बात करते हैं कोची सिटी के बारे में ना, द क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं ना सिटी को, ठीक है। और वो त्रिचुर भी एक शहर था, कोल्लम शहर था। मतलब यार क्या सिटीज है, मतलब केरला की। केरला एक बहुत ही बहुत जबरदस्त मतलब राज्य बन चुका है, बहुत फेमस राज्य है। वहाँ की आप GDPs देख सकते हैं, वहाँ की इकोनॉमी कितनी ऊपर है। मतलब अभी लास्ट में जो कोची सिटी की वो बता रहे थे GDP, आई थिंक 150 के बिलियंस के अराउंड है भाई GDP। और मतलब केरला की बात करें तो भाई केरला मोस्ट फेवरेट हो गया इंडिया में, ठीक है। यहाँ का एक शहर दिखा रहे थे, बहुत लंबा सा उसका नेम था, वो कहने जी वर्ल्ड में उठना, इंडिया में ब्यूटीफुल सिटीज में भी आया है। मतलब आगे देखे ना कि केरला के जो मतलब रहन सहन है वो बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ की आपको लिटरेसी रेट बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। वहाँ पर पढ़े लिखे लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा है। और साथ साथ बात करें कि वहाँ पे डेवलपमेंट की अगर आप बात करते हो तो केरला डेफिनेटली डेवलप बहुत ही ज्यादा हो चुका है। तो मतलब एक वीडियो में केरला को एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसके अलावा भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर टाइटल मिल जाएगा, क्योंकि उस पर हमने केरला पे बहुत सारे रिएक्शन किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाजत।